एक बार हमारे सहयोगी कानपुर से अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, गंगा किनारे बसा कानपुर और एक बड़ी उद्योग नगरी कहा जाता है यूपी की, और ऐसे में अब वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ रहे हैं, तो 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या रहा है कानपुर का? ये बता दूं कि अभी वोटिंग लिस्ट का जो परसेंटेज है बस कुछ ही क्षणों में आने वाला है। इसका मैं बता दूं कि लगभग जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज था बहुत ही कम था, 8.37% वो वोटिंग परसेंटेज हुआ था। ये क्योंकि ये जो वोटिंग परसेंटेज है बहुत सोचने योग्य है, क्योंकि लगभग सुबह का जो समय था लगभग लोग सुबह जल्दी निकलते हैं वोटिंग डालने के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 11 बजे वाला जो परसेंटेज आना है उसमें क्या निकलता है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश माना ने भी लोगों से अपील किया है कि लोग घर से निकले और घर से निकल के वोट डालें, और जो भी प्रत्याशी जिस प्रत्याशी को वोट डालना हो डालो, लेकिन घर से अवश्य निकले। लेकिन कहीं ना कहीं भी कानपुर के मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि जो परसेंटेज इतना डाउन है उसके लिए घर से निकलना चाहिए। जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं सुबह या शाम के वक्त ज्यादा घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन जो 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया वो काफी कम रहा, तो ऐसे में वोटिंग परसेंटेज में जो गिरावट दर्ज की गई है इसकी वजह क्या कुछ आपको लगता है कि क्या वजह है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं कि जिस हिसाब से पिछले कई समय से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव की बातचीत चल रही थी, कानपुर में देखने को मिला कि कानपुर प्रशासन द्वारा इतना ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया गया, क्योंकि अक्सर अमूमन देखा जाता है कि जब चुनाव प्रचार आने वाले होते हैं तो वहां के जो प्रशासन होता है वो चुनाव करवाने के लिए और चुनाव के लिए मतदान करने के लिए जगह जगह इस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं कि लोग घर से निकले और घर से निकलने के बाद अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि अक्सर कानपुर में देखा जाता था कि जब चुनाव शुरू होने वाला होता था उससे पहले ही लगभग लोग निकलते, कानपुर प्रशासन और सभी लोगों से इस चीज का अनुरोध करते थे कि घर से निकले वोट डालें। लेकिन कानपुर में इस बार कुछ ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। एक कारण ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से कानपुर का जो टेम्परेचर है इस टाइम बहुत ज्यादा है, और कानपुर का टेम्परेचर जो ज्यादा बढ़ने की वजह से भी लोग निकल रहे, हो सकता है कि लोग शाम का इंतजार कर रहे हो कि जब शाम को थोड़ा मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो घर से निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक आम मतदाता को भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो किसी चीज की शिकायत करने का हकदार तभी होगा जब वो किसी को वोट देगा। बिल्कुल, वोट नहीं देता है, तो अगर हम बात करें तो प्रदेश के जो तमाम जनपद है वहां से लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने तस्वीरों के जरिए दिखाया कि किस तरीके से जो मतदान केंद्र है उसके बाहर अव्यवस्थाएं देखने को मिली, ना तो व्हील चेयर मौजूद थी, ना पानी की व्यवस्थाएं दुरुस्त थी, और लोग गर्मी में बेहोश भी हो रहे थे। तो क्या कानपुर में भी जो स्थिति है वो ऐसी ही है या कुछ स्थिति में सुधार है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि कानपुर के क्षेत्र में जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग को लोग गोद में लेके वोट डलवाने जा रहे हैं, वहां भी एक व्हील चेयर की अर्थव्यवस्था दिखी, अव्यवस्था देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कानपुर में भी ऐसी स्थितियां, कुछ केंद्रों पर भी व्यवस्थाएं हैं और कुछ केंद्रों पर ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। आखिर व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई हैं, या तो की गई हैं तो वहां पे चीजें अगर सामने क्यों नहीं की गई, तो देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन को इसकी भी जाँच करनी चाहिए, क्योंकि अमूमन अक्सर देखा जाता है कि सब व्यवस्थाएं पहले से की जाती हैं और इसका प्रचार भी जोर शोर से किया जाता है कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं, वो चाहे व्हील चेयर हो या तो फिर किसी को अंदर ले जाने की व्यवस्थाएं हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जाती है। लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा। इसके अलावा बता दूं कि कानपुर के काकादेव क्षेत्र में मतदान हो रहा था जहां पे बीजेपी का एक एजेंट पकड़ा गया है जो किसी महिला पे दबाव बना रहा था कि बीजेपी को वोट डाले, जिसके वर्तमान में तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उसको आगे की वैधानिक प्रक्रिया की जा रही है। इस तरीके से बहुत से ऐसे केंद्र है जहां पे पुलिस, हालांकि कानपुर जो पुलिस प्रशासन है वो बहुत सतर्क है इन सब मामलों में, क्योंकि कानपुर प्रशासन पिछले कई दिनों से ही उसने अपनी कमर कसी थी ताकि चुनाव को सही प्रक्रिया और सही सुचारू रूप से चलाया जा सके। बिल्कुल अनिल, जब हमने कानपुर की इस बार मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट देखी तो जो कानपुर के मेयर प्रत्याशी थी प्रमिला पांडे, जब उनके नाम की घोषणा की गई तो काफी देर बाद ये घोषणा की गई थी, काफी सोच समझ करके, तो आखिर क्या कुछ दुविधा थी जो इतनी लेट हो गई प्रत्याशी की घोषणा करने में, या क्या माना जाए कि जो कानपुर की जनता है वो प्रमिला पांडे के काम से कितनी खुश और संतुष्ट है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अब ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि आखिर का प्रमिला पांडे से कोई संतुष्ट था या नहीं था। लेकिन अमूमन ये देखा गया कि लगभग कानपुर का जो मेयर सीट का टिकट था वो काफी देर बाद फाइनल किया गया, लगभग रात के 11 बजे के बाद इस टिकट पर, लगभग रात को 10 से 11 के बीच में टिकट फाइनल किया गया था। और कहीं ना कहीं ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि कानपुर में लगभग सैकड़ों प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से नामांकन करवाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी, और लगातार इस चीज का पार्टी के अंदर ही विरोध भी
चल रहा था कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। और कानपुर से जो नीतू सिंह थी वो काफी दावेदार मानी जा रही थी, क्योंकि एक तरफ से ये कानपुर से सांसद और पूर्व उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे थे सत्यदेव पचौरी की पुत्री भी हैं, उनको मेन दावेदार माना जा रहा था। लेकिन जिस हिसाब से इन टाइम पे उनका टिकट कटा है, तो हालांकि बीच में सत्यदेव पचौरी ने भी अपनी थोड़ी नाराजगी जताई थी, लेकिन बाद में पार्टी ने बात करने के बाद वो खुद प्रचार प्रसार के लिए कमला पांडे के समर्थन में निकले। तो कहीं ना कहीं यानी कि तमाम समीकरणों को साधते हुए भाजपा ने एक बार फिर से कमला पांडे पर भरोसा जताया है। लेकिन अब इसका फैसला तो 13 को ही होगा कि आखिर जनता किसके सर पर जीत का ताज पहराती है। धन्यवाद अनिल हमारे साथ जुड़ते हुए, दर्शकों तक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव का रण बेहद ही रोमांचक मोड में पहुंच चुका है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आने लगी है। अलीगढ़ में 11 बजे तक 18% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, तो वहीं औरैया में 25.36% जनता वोटिंग करने अपने मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच चुकी है। तो वहीं बुलंदशहर में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो रहा वो रहा 28, यानी कि 28% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 20% मतदान का जो परसेंटेज रहा 11 बजे तक का, तो वहीं शाहजहांपुर में 21%, जहां पर जनता पहली बार अपना मेयर चुनने जा रही है, उस शाहजहांपुर का वोटिंग परसेंटेज रहा 21। तो सुल्तानपुर से हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हैं। आशुतोष, अब 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आने लगा है, पहले तो सुल्तानपुर का 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं अभी 11 बजे का कोई रुझान तो नहीं आया है, लेकिन आपको सबसे पहले बता दें सुल्तानपुर का जो है यहाँ का जो मतदान चल रहा है बहुत ही शांतिपूर्वक से चल रहा है, और हालांकि अगर प्रशासन द्वारा बात भी की जाए शांतिपूर्वक तरीके से जो है वो हर जगह जायजा भी ले रहे हैं और शांतिपूर्वक ढंग से वो संपन्न करवाने की तैयारी भी जुटे हुए हैं। बिल्कुल, हमने लगातार तस्वीरों में देखा तमाम जनपदों से जो खबरें जो तस्वीरें सामने आई कि अव्यवस्थाओं का अंबार लगा था, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्या सुल्तानपुर में भी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है या फिर कमियां पाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, अभी तक देखिए जो भी यहाँ पे मतदान केंद्र जो भी बने हैं वो लगभग हर जगह सुरक्षित में है और सही ढंग से लोगों से अपील करके जो है मतदान कराया जा रहा है। सबका जो भी आई कार्ड हो या आधार कार्ड हो या मतदाता पर्ची हो उसको चेक करने के बाद ही जो है वहाँ पे अंदर एंट्री लेके मतदान का प्रयोग करने के बाद वो बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल आशुतोष, लगातार हमने देखा कि जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, लेकिन क्या जो मतदान केंद्र के बाहर पानी की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि कई जनपदों में लोग अब गर्मी की वजह से बेहोश भी हो रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका पूरा कहना सही है, ये पहले से ही यहाँ की जो है सूचना पे जो है ये वायरल हो गया था। जो भी यहाँ पे मतदान केंद्र जितने भी बनाए जाएंगे वहाँ पे टाइमली जो है चाय पानी नाश्ता जो भी होगा वो उपलब्ध कराया जाएगा, किसी को कोई समस्या परेशानी की उठानी ना पड़े, और इसके साथ साथ अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है वहां पे उनकी मदद के सहयोग में खड़े रहेंगे लोग, ये प्रशासन द्वारा ये अपील हो चुका था। बिल्कुल आशुतोष, कई जनपद ऐसे भी है जहां पर जो फर्जी वोटर्स है उन्होंने माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो क्या सुल्तानपुर में किसी भी बूथ से अभी तक ऐसी खबर सामने आ रही कि कोई फर्जी वोटर पकड़ा गया हो या फिर कोई एजेंट हो जो लोगों को अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहा हो? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, अभी तो ऐसा कहीं खुल के कोई माहौल तो आया तो नहीं है, लेकिन फिलहाल जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे लगे चाहे सपा को चाहे भाजपा को या कांग्रेस को कोई भी हो जो भी यहाँ लगे हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से वो बूथ से लगभग काफी दूरी पे बैठे हुए हैं और शांतिपूर्वक से जो है वो अपना जो है मत का पर्ची देख के वो वोटर वहाँ पे जा रहे हैं अपना मतदान कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ कहीं भी अगर इससे की कोई लापरवाही देखने को मिलता है वो प्रशासन जो है सक्रिय है, वो वहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। प्रशासन यहाँ तक ये भी अपील रखा है, चढ़ने के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जितनी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं आज यूपी की राजनीति गर्म है, लेकिन क्या ये बढ़ता हुआ तापमान और ये गर्म राजनीति मतदाताओं के हौसले तोड़ पा रही है या फिर मतदाता बेहद ही गर्म जोशी के साथ पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, जिस तरह तापमान को अगर आप बात करें तापमान में जो है बाकी जो है गर्मी के कारण जो है बहुत ही कम लोग घर से बाहर निकल पाते, लेकिन यहाँ पे आज जो सुल्तानपुर धरती पे जो जोश देखा जा रहा है जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है वाकई बहुत ही अच्छी चीज है, आप अपने मत का प्रयोग कर रही हैं और इसके साथ ही साथ जो है जो नगर पालिका का अध्यक्ष बनने जो जा रहा है उसी को लेकर आप जो है आप वोट वहां पे डाल रही हैं, काम काज सुरक्षा को लेकर भी जो है आगे को बढ़ावा भी दे रही हैं, आप जनता का भी निर्भर है वो बहुत ही खुशी के साथ जो है यहाँ पे मतदान का प्रयोग कर रहे हैं।
बिल्कुल धन्यवाद आशुतोष हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा कि हमारे सहयोगी आशुतोष सुल्तानपुर से हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो जनता है वो काफी एक्टिव नजर आ रही है। भले ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है, भले ही मौसम का मिजाज इस वक्त काफी गर्म है, काफी नमी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जनता है वो बेहद ही गर्मजोशी के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं 11 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है, जो रुझान है, वो भी अब सामने आने लगे हैं। बुलंदशहर में 11 बजे तक 28% ही रहा वोटिंग, तो वहीं गाजियाबाद में 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 20 रहा, तो 20% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। वहीं शाहजहांपुर में 21% मतदान रहा। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो जारी है। सुबह 7 बजे से जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। भदोई में 11 बजे तक 23% मतदान हुए हैं, तो भदोई की जनता ने 23% अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो वहीं अलीगढ़ में 11 बजे तक 18% वोटिंग हुई है। औरैया में 25.36% मतदान रहा है, तो औरैया की जनता भी लगातार अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर में 28% जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। गाजियाबाद में 11 बजे तक 20% मतदान हुए हैं। तो शाहजहांपुर में पहली बार जनता अपना मेयर चुनेगी, जहां 11 बजे तक 21% वोटिंग परसेंटेज रहा है। तो वहीं पीलीभीत में 19% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो आपको बताते चले कि आजमगढ़ में 11 बजे तक 70% मतदान रहा है। हमीरपुर में 25% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, तो 11 बजे के वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ रहे हैं। तो वही वोटिंग परसेंटेज में हल्की फुल्के बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन कानपुर में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा है, क्योंकि 11 बजे तक सिर्फ 14% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। कानपुर में कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने भी वोट डाल दिया है। कानपुर की मेयर प्रत्याशी कांग्रेस ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वही मतदाताओं से ज्यादा वोट देने की भी अपील कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी द्वारा की गई है। तो कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी हैं अश्विनी विकास अवस्थी, जो अपने मत का इस्तेमाल कर चुकी है। और चूंकि जनता भी बदलाव चाह रही है, तो मुझे यकीन है कि अब की बदलाव होकर ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा आदमी भरोसा जता रहा है, और मुझे लगता है कि वो भरोसा आपकी रंग लाएगा। शहर में निकल रहे हैं आप लोग, मतदान को लेकर लोगों का रुझान किस ओर ज्यादा नजर आ रहा है? अब की सबसे ज्यादा जनता कांग्रेस पार्टी की ओर रुझान दिखा रही है, और मुझे लगता है कि अब की जनता भी कांग्रेस पार्टी के ही साथ है। अगर बदलाव होता है तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे? अगर बदलाव होता है तो मुझे सबसे पहले नगर निगम का भ्रष्टाचार खत्म करना है, और नगर निगम के खराब स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उन्हें सुचारू रूप से चलाना है, और नगर निगम की जो शिक्षा विद्यालय हैं उनको भी सुचारू रूप से चालू कराना रहेगा। तो निकाय चुनाव के लिए मतदान जो है वो लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुके हैं। जी हाँ, 21% जनता ने शाहजहांपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, तो वही पीलीभीत में 19% वोटिंग परसेंटेज रहा है। अलीगढ़ में 11 बजे तक 18% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है, तो 18% जनता ने अलीगढ़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया है, जबकि औरैया में 25.36% जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो आपको बताते चले कि 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है। तो 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है, और लगातार जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। तो वही शाहजहांपुर से मोहम्मद शान हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद शान, अब 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी सामने आने लगा है, और जनता लगातार वोट देने के लिए पहुंच रही है। और 11 बजे तक का पहले तो वोटिंग परसेंटेज क्या रहा शाहजहांपुर में? हाँ जी, आपको बता दें कि शाहजहांपुर का जो वोटिंग परसेंटेज जो है सुबह 8 बजे से जो स्टार्ट हुआ था 9 बजे तक 9 पॉइंट कुछ हुआ था, मगर इस समय जो है करीब 20 पॉइंट कुछ पहुंच चुका है। परसेंटेज तो ठीक है, और लगातार लोग जितने भी यहाँ पर जो
वोटर हैं वो निकल रहे हैं घर से और अपनी वोटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में वोटिंग को लेकर काफी उत्साह भी दिख रहा है, जो इस तरीके से कहा जा रहा था गर्मियों की वोटर नहीं निकलेगा, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया, हर जगह पर वोटर निकल रहा है और डाल रहा है वोट। जी ठीक है मोहम्मद शान, शाहजहांपुर की जनता पहली बार अपना मेयर चुनने जा रही है, तो ऐसे में जो जनता है उनके अपने मेयर से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए सबसे पहले तो जनता का यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो इन मुद्दों को लेकर चुनाव कर अपना वोट दे रही है कि विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, जैसे सड़कें हैं, पानी है, जो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो नगर निगम में जो बढ़ चढ़ कर मिलेंगे और बड़ा बजट आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बार अच्छे बजट की उम्मीद है और अच्छे विकास की उम्मीद है। इस उम्मीद को लेकर वो लगातार घर से निकलकर अपना मतदान कर रहा है ताकि एक अच्छा मेयर चुना जा सके। ठीक है मोहम्मद शान, शाहजहांपुर में हमने देखा कि जो लगातार जो जनता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, और आपने हमको ये समझाने का प्रयास किया कि मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें कैसी है, लेकिन हमने अलीगढ़ की खबरें देखी, कानपुर की खबरें देखी, वहां पर काफी ज्यादा कमियां पाई गई है मतदान केंद्रों के बाहर, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, तो शाहजहांपुर में तो पहली बार मेयर का चुनाव होने जा रहा है, वहां भी व्यवस्थाएं दुरुस्त है या फिर सिर्फ खामियां ही खामियां दिखी है? देखिए आपको बता दें कि जो प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन तो अपनी जगह पे मुस्तैद है, और रही पानी की व्यवस्था तो जो यहाँ पे मतदान बूथ बनाए गए हैं जो वहाँ पर भी मतलब इंतजाम फिलहाल तो यहाँ ठीक दिखाई दिया, कहीं भी मतलब ऐसा नहीं दिखा जहाँ पर ये दिक्कतें सामने आए और अच्छे तरीके से लोग अपना मतदान कर रहे हैं। वही अपने जो कर्मचारी इसमें लगे हैं वो भी ड्यूटी पे लगे, मतलब कोई यहाँ शाहजहांपुर में इस तरीके की हल्की सी जो घटना आई थी कि एवीएम नहीं चल रही, मगर एक करीब 15 मिनट बाद जब प्रशासन अधिकारियों को यहाँ पर फोन पहुंचा तुरंत जो है विकल्प उसका कराया गया और तुरंत ही उसको संज्ञान में लिया गया, यहाँ पर अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। बिल्कुल मोहम्मद शान, अगर हम एक बार मेयर प्रत्याशी पर एक नजर डालें तो भाजपा ने शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने माला राठौर को, और अगर हम बसपा की बात करें तो शगुफ्ता और कांग्रेस ने भी निगहत इकबाल, चूंकि शाहजहांपुर एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जा रहा है, तो क्या लगता है कि ऐसे में जो कांग्रेस और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, समीकरण बिगड़ेंगे जब नतीजे आएंगे? तो देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से मतदान हो रहा है, खासतौर से जो मुस्लिम क्षेत्रों में जो मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा का प्रत्याशी अर्चना वर्मा जी को खड़ा किया गया है और कांग्रेस के जो है निकट इकबाल को खड़ा किया गया है और सपा से माला राठौर को, तो कहीं ना कहीं इन दोनों की टक्कर फिलहाल अभी ये अंदाजा लगाया जा रहा है। मुस्लिम क्षेत्र में कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी और मतलब बाकी अन्य जगहों पर भाजपा अपना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का परसेंटेज इधर थोड़ा सा जो जगह हम देख के आए हैं वहां पर कांग्रेस का कुछ ज्यादा बताया जा रहा है। जी ठीक है मोहम्मद शान, शाहजहांपुर जैसा कि मैंने अभी भी जिक्र किया कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है और मुस्लिम वोटर्स यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो मुस्लिम वोटर्स का जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ ज्यादा है या झुकाव किस पार्टी की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है आपको? देखिए अभी तक स्पष्ट सही तरीके से जानकारी ये नहीं हो पाई, मगर हाँ ये है कि मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस और सपा में मतलब जो है लगातार जैसे जो सुनने में आए ये लोग बता रहे, तो कहीं ना कहीं इधर उन जगहों पर और कुछ जगहों पर भी भाजपा भी खूब चली है और जो मुस्लिम जो क्षेत्र है वहां पर कांग्रेस और सपा दोनों चल रही है। बिल्कुल शांत, तो लगातार जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मौसम का मिजाज गर्म होता जा रहा है, तो क्या मौसम का मिजाज मतदाताओं के हौसले तोड़ पा रहा है या फिर जो मतदाता है वो बेहद ही गर्मजोशी के साथ पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर? आपको बता दें मुस्कान जी, शाहजहांपुर की बात करें तो सभी जगहों पर मतदाता आप देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम महिलाएं हैं, बाकी बुजुर्ग भी यहां पर जो है लगातार अपना मतदान करने जा रहे हैं और लोग यहां पर आप देख सकते हैं पूरी भीड़ हमारे पीछे सारे लोग मौजूद हैं और इस बात की गवाही कि मतलब इस बार मतदान जो लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्साह के साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मोहम्मद शान हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी और पल पल की अपडेट साझा करने के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज भी अब सामने आ चुका है और वही 4 घंटे से ज्यादा का समय अब बीत चुका है, लेकिन कानपुर का जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी कम रहा क्योंकि 11 बजे तक महज कानपुर में सिर्फ 14% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, तो लगातार जो जनता है वो